एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के इस प्रांतीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक श्री मनोज द्विवेदी जी, सीनियर पुलिस ऑफिसर आईपीएस श्री राजेश हिंगनकर जी, यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष श्री राधावल्लभ शारदा जी, वरिष्ठ पत्रकार पर्यावरणविद समाज सेवी श्री संदीप जी, सम्माननीय अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के जर्नलिस्ट पत्रकार बंधु, मैं सर्वप्रथम तो इंदौर के प्रथम नागरिक के होने के नाते आप सबका माँ अहिल्या की नगरी में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकारों को भी अपने अधिकारों के लिए यूनियन बनाकर काम करने की जरूरत पड़ रही है, ये मैं विषय पे ही बोल रहा हूं। ये हो सकता है कि सोशल मीडिया का पत्रकारिता पर प्रभाव हो, लेकिन व्यक्ति होने के नाते, समाज में काम करने के नाते, अलग अलग क्षेत्र में काम करने के नाते सबके अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों की लड़ाई और उस पर आवाज उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन पत्रकार के पास, जर्नलिस्ट के पास जो हथियार है वो समाज के और किसी भी एसोसिएशन और यूनियन के पास नहीं है। लेकिन समय समय पर उन विषयों पर चिंतन करना ही आवश्यक है। विषय पर आते हुए मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। एक, सोशल मीडिया की उत्पत्ति पर अगर गंभीरता से विचार होगा तो शायद हम इस बात के मूल तक पहुंच पाएंगे कि सोशल मीडिया का पत्रकारिता पर क्या प्रभाव है। मेरी दृष्टि से, मेरे अध्ययन से, सोशल मीडिया का जन्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से इंटेलिजेंस और जानकारी प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े देशों ने बनाया था। दुनिया में कौन सा आदमी क्या सोच रहा है, किस विषय पर उसके क्या विचार हैं, किस आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करता है और उस आधार पर वो किस ताकत से उस विचार को या किसी एक पक्ष को समाज में स्थापित करने के लिए कितनी ताकत रखता है, इसको जानने के लिए अमेरिका, यूरोप, रशिया, जर्मनी, इन सब देशों ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को डेवलप किया था। अगर आप फेसबुक का उदाहरण लेंगे तो फेसबुक कोई कम्युनिकेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक एक फेसेस को रीड करके चेहरे के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करने का टूल है, जो कि आपके सबके मोबाइल में बहुत आसानी से अब उपलब्ध होता है, जिसमें आप पीपल्स की गैलरी में लोगों को ढूंढ लेते हैं। ट्विटर की आप बात करेंगे तो ट्विटर कम शब्दों में किसी एक विषय पे अपने विचार कितने लोग एक साथ रखते हैं और उस विचार का दुनिया पे या किसी छोटी कैटेगरी में कितना प्रभाव है, यह जानने का टूल है। इंस्टाग्राम को या गूगल को आप समझेंगे, जो मैंने अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश की है, ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी दिनचर्या को पढ़ने का, उसके आधार पर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ऐसे कुछ शब्द जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हो, वॉर से रिलेटेड हो, युद्ध से रिलेटेड हो, आतंक से रिलेटेड हो, इनको कैटेगराइज कर एक प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टूल्स निर्मित किए गए थे, जो समय के साथ सूचना तंत्र या मीडिया का भी एक माध्यम बने हैं, जिसका सिटीजन या नागरिक अपने हित के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो एक तो सोशल मीडिया की उत्पत्ति और उसका कंट्रोल, ये बड़ा विषय है। वो इसलिए है कि आज किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यदि आप
बात भी करते हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको दिखती है, और अगर कोई एक जानकारी ढूंढने जाएंगे तो उससे रिलेटेड 30 से ज्यादा जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होती है। और मैं यहां समझता हूं कि असली पत्रकारिता का उदय यहीं से होता है। सोशल मीडिया अच्छे पत्रकारों के लिए, अच्छी पत्रकारिता करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इन 30 लिंक में से, इन 30 वेबसाइट में से सही जानकारी क्या है। पत्रकारिता न्यूज और व्यूज का खेल है। हम न्यूज तो जो है वैसी देते ही हैं, और कुछ अच्छे पत्रकार जो समाज में अच्छे चिंतन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो व्यूज देते हैं। ये मेरा इस विषय पर दूसरा पक्ष है कि न्यूज सब देते हैं, उस आधार पर सही व्यूज जनरेट करने वाले पत्रकार बिरले होते हैं। तो जब सोशल मीडिया पर एक विषय को लेकर 30, 40, 45 जानकारियां हैं, उसमें से सही व्यू क्या हो ये यदि लाया जाएगा तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का अच्छी पत्रकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सोशल मीडिया को जैसा सुबोध भाई कह रहे थे कि सिटीजन जर्नलिज्म की तरह यदि देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छे प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, और भारत के संविधान में जो 3 स्तंभ है, पत्रकारिता उसका चौथा स्तंभ है, जो बचे हुए 3 स्तंभ हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, या हम लोग जो लेजिस्लेट करते हैं, इन तीनों की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस तय करने का काम सोशल मीडिया के आधार पर पत्रकार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट लाइव आपको दिखता है, कौन सा कानून हम बना रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव कैसे कर रही है, ये लाइव आपको दिखता है। अब इसमें से वो किन अर्थों में, किस आधार पे समाज में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये काम करने का काम भारत के चौथे स्तंभ पत्रकारों का है। मैं पुनः एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे गंभीर विषय पर उन्होंने चिंतन किया। आप सभी को बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां बुलाकर अपनी बात रखने का अवसर दिया। लेकिन अंत में किसी भी कार्यक्रम में मैं 1 मिनट अपने स्वार्थ का जरूर लेता हूं, क्योंकि इंदौर जो है वो कई सारी चीजों में अलग अलग दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ शहर के बहुत सुधी श्रोता, वक्ता और लेखक बैठे हैं। तो ये 2-3 विषय पर भी यदि आने वाले दिनों में चर्चा होगी तो ये शहर के लिए हितकारी होगा। ट्रैफिक की दृष्टि से लगातार ITMS हमने इंदौर में लागू कर दिया, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हो रहा है, पर ये दुनिया जानती है कि बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग देने के बाद भी जगह कम पड़ती है, पर इसको ह्यूमन बिहेवियर और अच्छी एक्टिविटी से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो रचनात्मक काम भी ट्रैफिक को लेकर अगर आपका सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। एक कार्यक्रम जो हम घोषणा करने वाले हैं उसकी घोषणा मैं यहाँ कर देता हूँ। 22 तारीख को इंटरनेशनल नो कार डे है। हम इंदौर में पहली बार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करके बिना किसी कंपल्शन के, कि कम से कम कारें सड़कों पर उतरे, ट्रैफिक सुधार में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इन तीनों को ठीक करने का काम ये करेगा। ये 2 विषय थे जो मेरे स्वार्थ के थे, मैंने आपके सामने रखे। पुनः धन्यवाद।